वेलकम टू रेडिक्स। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 151 टू 200। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी 70 डिग्री। ओके, नाउ लेट दिस इज ट्राइंगल एबीसी, दिस इज एबीसी एंड एंगल ए इज 70 डिग्री, एंगल बी सी ए दिस इज 40 डिग्री, नाउ रिमेनिंग वुड बी 70। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स देन द एंगल। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ओ इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है सर्कमफेरेंस, सॉरी सर्कम सर्किल। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल, देन वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बी ओ सी। नाउ इट इज डबल ऑफ दिस, आंसर इज 140। अगर ये सेंटर है सर्किल का तो ये 140, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी आर थ्री पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड इफ ए बी इज इक्वल ए सी इज इक्वल 5√2 एंड एंगल बी ए सी 90। नाउ इफ बी ए सी इज 90 डिग्री देन बी सी वुड बी डायमीटर एंड दिस बी ए सी इज 90 डिग्री, राइट। नाउ गिवन दैट ए बी इज 5√2 एंड ए सी इज 5√2, सो इफ दिस इज 90, दीज टू साइड इक्वल, दिस वुड बी 45, देन हाइपोटेन्यूज वुड बी 5√2 इंटू √2, तो दिस इज 10, देन रेडियस वुड बी 5, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ओ एन वाई 50 एंड ओ एम वाई, देखो दिस इज ओ एम वाई 15, तो दिस वुड ऑल्सो बी 15, राइट, एंड दिस 50, तो दिस कंप्लीट वुड बी 50। वी हैव टू कैलकुलेट एम ओ एन। ओके, नाउ दिस 50, दिस 50, दिस वुड बी 80 एंड दिस इज 50, दिस वुड कंप्लीट वुड बी 150, सो रिमेनिंग दिस वुड बी 70, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ ए एंड ए मीटर एंड बी मीटर सबटेंड एंगल 60 एंड 90 एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नाउ ओके, इट इज गिवन दैट दिस कॉर्ड सबटेंड एंगल एंड दिस कॉर्ड सबटेंड एंगल, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो लेट दिस 60 इज लेंथ ए एंड दिस इज लेंथ बी। नाउ इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दिस टू साइड वुड बी इक्वल, दिस वुड बी आर बाई टू बी बाई टू एंड दिस वुड बी बी बाई टू, इतना लेंथ हो जाएगी ना। अच्छा, लेट रेडियस बी आर। अच्छा, दिस एंगल इज 45, दिस वुड बी 45, ये भी बी बाई टू हो जाएगी, है ना, तो आर इज इक्वल बी बाई टू रूट टू या बी बाई रूट टू, क्लियर। अच्छा, यहां पर देखते हैं, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, सॉरी ये 60-60 हो जाएंगे सारे। अच्छा, ये हो गया 30 डिग्री, ये ए बाई टू, तो यहां पर आर, ये आर है 30 के आगे ए बाई टू, तो आर क्या हो जाएगा 90 के आगे, जो कि ए हो जाएगा। इसका मतलब यहां से ए की वैल्यू हो गई आर। नाउ पुट करो आर की वैल्यू यहां पर, तो ए इज इक्वल बी बाई रूट टू, तो बी इज इक्वल रूट टू ए, ठीक है, स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या हमें पूछा क्या है, इस फॉर्म में पूछा हुआ, आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 155। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ट्राइंगल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी इफ एंगल एओडी इज 100 एंड एंगल बीओसी 70 देन द वैल्यू ऑफ एपीसी। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम। नाउ दिस पॉइंट लेट दिस इज ए बी कॉर्ड एंड दिस इज सी डी कॉर्ड, नाउ लेट दिस इज द सेंटर। नाउ गिवन दैट एओडी दिस एंगल गिवन एज 100 एंड BOC this angle given as 70 and we have to calculate this point is P, we have to calculate APC. okay, so join this line and now if this angle is 100 then angle on circumference this would be 50 and if this 70 this would be 35 or this 35 this 70 85 this would be 95, so this would also be 95 vertically opposite angle, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी आपको कई क्वेश्चन इस पे बेस्ड दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्ड्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो गिवन दैट दिस इज ए सी कॉर्ड एंड दिस इज बी डी कॉर्ड,
it intersects at 90 degree and this point is E. Okay, and center is at O. Now if OAB, this angle is 25, and okay, we have to calculate value of EBC. We have to calculate this. So देखो क्या करेंगे हम, join कर लेंगे इसको. Now if this 25, this would be 25. Okay, this angle would be 120. देखो ये radius है ना, 25 हो गया, 25 25 50 हो गया 130. Okay, now if this 130, this would be 65, because angle on center is equal to angle on circumference. This is 25. Now this is 90, this 25, this would 65, this would be 25. Answer is B option. Okay, next question. Two circles touch each other externally at P. QR is common tangent. Now this point is P, this is QR. टचिंग द सर्कल एट क्यू एंड पी, देन मेजर ऑफ क्यू पी आर. क्यू पी आर बहुत बढ़िया लॉजिक है. देखो यार हम क्या करेंगे, वी विल जॉइन अ टेंजेंट लाइक दिस. लेट दिस पॉइंट इज एम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एम आर इज इक्वल एम पी बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. सेम वे एम क्यू इज इक्वल एम पी. सो दिस एंगल वुड बी एक्स, दिस वुड ऑल्सो बी एक्स बिकॉज सेम सेगमेंट. नाउ देखो ये क्योंकि साइड इक्वल है ना, तो ये एक्स एक्स हो गया. सेम वे लेट दिस इज वाई, दिस वुड बी वाई. नाउ इन दिस ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल क्यू पी आर, एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल 180. सो 2x प्लस 2y इज इक्वल 180, x प्लस y इज इक्वल 90 डिग्री. तो आपको ध्यान रखना हमेशा ये कोण 90 बनता है इफ दिस इज द कंडीशन. और आपको ये रट लेना, ये काम आता ही आता है क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी. ओके, अ स्ट्रेट लाइन, देखो ये ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए बी, अच्छा इसके पैरेलल लाइन है. इंटरसेक्ट द सर्कल एट सी डी ई एंड एफ. नाउ इफ सी डी इज 4.5, देन वी हैव टू कैलकुलेट ई एफ. ओके देखो क्या करेंगे, यहां से पपेन ड्रॉ करो इस पर, इट विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू दिस क्योंकि पैरेलल है. नाउ एंड इफ वी जॉइन दिस, इट वुड बी सेंटर ऑफ दिस. सो देखो उस कंडीशन से ये और ये पार्ट इक्वल होंगे, और यहां से बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट, पैरेलल पड़ा ना, परपेंडिकुलर पड़ा कॉर्ड पर, तो ये मिड पॉइंट हो गया. इसी तरह से दिस पोर्शन इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. सो इसका मतलब रिमेनिंग सी डी इज इक्वल ई एफ. आंसर इज 4.5. ओके, तो आपको ज्यादा इसने कुछ करने की जरूरत नहीं थी. देखो मैं रब कर देता हूं, ये हिस्सा इसके बराबर होगा. ठीक है, तो डायरेक्ट आप 4.5 इसको 4.5 मार्क कर सकते हो. ओके, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सर्कल सी वन एंड सी टू टच इच अदर इंटरनली एट पी. टू लाइंस पी सी ए एंड पी डी बी. ओके, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टू सर्कल, दिस इज सर्कल वन एंड सर्कल टू. Now they touch each other at P. Now line PCA and PCB. Given that circle C1 को ये C और D पर intersect करते हैं, और this is C2 circle intersect at A and B. ठीक है, तो PCA and PDB are the lines. If angle BDC, BDC this angle is 120. We have to calculate angle ABP. Okay. तो देखो बहुत important point है. If we join a tangent, so ये एंगल 120, दिस वुड बी 60. ओके, नाउ दिस वुड ऑल्सो बी 60 बिकॉज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है ना, ये जो टेंजेंट कॉर्ड के साथ एंगल बनाती है वो बराबर होते हैं. उसी तरह से ये जो 60 है ये इसके बराबर होगा. तो वी हैव टू कैलकुलेट एबीपी. आंसर हो गया 60 डिग्री, ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सर्किल हैविंग रेडियाई आर यूनिट इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट ईच ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. डायग्राम देख लेते हैं. नाउ देयर रेडियस इज आर एंड दे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ईच. सो जॉइन दिस, जॉइन दिस, दिस. अब देखो यार
ये सब आर आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो दिस वुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूँ ये कॉमन कॉर्ड, तो ये अगर 90 है ये 60 हो जाएगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल ये 30 होगा, 90 के आगे आर तो 30 के आगे आर बाई टू, और अगर ये आर बाई टू तो 60 के आगे आर बाई टू रूट थ्री। सो दिस पार्ट इज आर बाई रूट, आर रूट थ्री बाई टू, और इसका डबल कर दू तो रूट थ्री आर। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्किल विद सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द ए बी मीट्स द बिगर सर्किल एंड पी एंड क्यू। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ, रेडियस ए सेंटर पहले का ए है दूसरे का बी है, राइट। नाउ दिस इज 3, दिस इज 8 यहां से आ तक, तो ये कितना बचेगा, 1 2 बचेगा, सॉरी दिस इज 5। अब यहां पे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला हुआ ए बी का, तो ये लेंथ 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। नाउ बिगर सर्किल को पी क्यू पे मिलता है, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी क्यू। ओके सो ज्वाइन कर दो इसको, दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 1, तो ये कितना होगा √24 या 2√6, और डबल कर दो तो 4√6, बी डी ऑप्शन। ओके एग्जाम में डायग्राम बनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल आर 9 एंड 15 सेंटीमीटर इफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्किल, नाउ इफ द कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्किल बी ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। ओके ये देखो, ये रेडियस आपकी है 9, ये 15 है, और बोला ये जो कॉर्ड है दिस इज टेंजेंट टू द सर्किल, सो इफ इट इज 15 दिस इज 9, 5 इंटू 3 एंड दिस इज 3 इंटू 3, सो अगला होगा 4 इंटू 3, दिस इज 12, डबल कर दो 24 इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 163। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 इज टेंजेंट टू अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3। ओके एक डायग्राम देख लेते हैं, और इट इज गिवन दैट बोथ द सर्किल बीइंग कंसेंट्रिक देयर सेंटर्स आर सेम। नाउ इफ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 इज टेंजेंट टू द अनदर सर्किल, सेम डायग्राम पिछले की तरह है, दिस इज टेंजेंट एंड दिस लेंथ, दिस लेंथ, देखो दिस इज रेडियस आउटर, दिस इज इनर 3, तो दिस वुड बी 4, देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड वुड बी डबल ऑफ दिस। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेंजेंट आर ड्रॉन टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्किल, देखो ये लेट दिस इज द ए बी डायमीटर ऑफ द सर्किल विथ सेंटर पी, इफ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट सी, माना एक पॉइंट सी है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने ऐसे, दिस इज सी, देन द मेजर ऑफ एंगल क्यू, अच्छा ये क्यू है और ये क्यू आर, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल क्यू पी आर। देखो बहुत बढ़िया लॉजिक है, ध्यान देना, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। नाउ इन दीज टू ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज दिस साइड इक्वल दिस साइड, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज रेडियस, और ये कॉमन, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, दिस एंगल एक्स, दिस वुड ऑल्सो बी एक्स। उसी तरह से यहां भी कॉन्ग्रुएंट, ये वाई वाई, बिकॉज दिस इज ए डायमीटर, दिस कंप्लीट एंगल वुड बी 180, 2x प्लस 2y इज इक्वल 180, x प्लस y इज इक्वल 90 डिग्री, राइट। आंसर हो गया 90। क्वेश्चन 165। AB जो कॉर्ड टू सर्किल एंड PAT इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट A। ओके डायग्राम देख लेते हैं, AB इज ए कॉर्ड एंड दिस इज कॉर्ड एंड PAT इज ए टेंजेंट, एंगल BAT इज 75, दिस एंगल इज गिवन इज 75 एंड BAC, ओके लेट दिस इज C पॉइंट, C इज ए पॉइंट ऑन सर्किल, देन दिस BAC इज गिवन एज 45, सो दिस टोटल वुड बी 120, तो ये 60 हो गया, वी हैव टू कैलकुलेट ABC। नाउ इफ दिस 60, दिस वुड बी 60, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, राइट, एंगल इज, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेंजेंट एट टू पॉइंट्स ए बी ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी। ओके नाउ दिस इज ओ, दिस इंटरसेक्ट एट पी, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी आर इन द रेशियो 5:2x, तो मान लेते हैं ये 5x है, ये x है, अच्छा दिस वुड बी 90 बिकॉज
टेंजेंट विद रेडियस मेक्स एंगल 90 डिग्री. सो इसका मतलब 5x + x = 180 होता है. और आप याद भी रखना, टेंजेंट के बाद जो एंगल बनते हैं वो हमेशा 90 होते हैं, उनका सम 180 होता है. तो 6x = 180, x वुड बी 30. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए पी बी, सो इट इज 30. आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ए, पी क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पी एन क्यू, देन एंगल पी ए क्यू. ओके, दिस इज पी क्यू टेंजेंट एंड दिस इज ए. वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है ना, आपको याद भी रखना है चीजें. दूसरी बार सेम क्वेश्चन आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पी आर इज टेंजेंट टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ, रेडियस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस पॉइंट इज क्यू एंड लेट दिस इज पी आर. नाउ एंगल पी ओ आर, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड ओ आर 5, दिस 5, दिस 4, दिस वुड बी 3. अच्छा, एंड ओ पी, दिस इज 20/3. सो वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ पी आर. सो फॉर पी आर वी नीड टू कैलकुलेट पी क्यू. नाउ यहां पे पी क्यू ओ में यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो 20/3² = 4² + PQ². सो पी क्यू स्क्वायर वुड बी 400/9 - 16 और 400 - 144/9 और 256/9. तो दिस इज पी क्यू स्क्वायर, देन पी क्यू वुड बी 16/3. सो पी क्यू 16/3, दिस इज 3. तो देयर सम पी आर वुड बी 16/3 + 3 और 25/3. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी, ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ओके, डायग्राम देख लेते हैं. नाउ दिस इज ए बी विच इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दे इंटरसेक्ट एट पी. नाउ देखो, आपको गिवन है पी ए बी, दिस एंगल गिवन एज 35 एंड वी हैव टू कैलकुलेट. अच्छा, मैंने आपको बताया था दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो ये कितना बचेगा 55. तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आपके लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 170, वी हैव इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज बी 6 cm / 3 cm एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बी 8, देन द डिस्टेंस बिटवीन. देखो यार, दिस इज 6, दिस इज 3. नाउ सो व्हाट विल डू, एंड दिस इज 8 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. नाउ वी विल जॉइन दिस 6, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं 6 तक और इसको यहां जॉइन कर रहा हूं. नाउ बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस वुड ऑल्सो बी 90 डिग्री, राइट. सो ये भी 8 हो जाएगा. अब मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये लेंथ निकालनी है. दिस इज 8, दिस इज 9. तो यूजिंग पाइथागोरस लेट दिस इज ए बी, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल 8² + 9² दिस इज 64, दिस इज 81, सो दिस इज 145. सो ए बी वुड बी अंडर रूट 145. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्किल ईच ऑफ रेडियस 3 इज 10, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन. सेम क्वेश्चन पहले की तरह है, बस यहां पर दोनों सर्किल इक्वल है. दिस इज 3, दिस इज 3. नाउ जॉइन दिस एंड एक्सटेंड दिस, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 3. नाउ कॉमन टेंजेंट, डिस्टेंस आपको 10 दे रखी है इस बार, दिस इज 10, दिस इज 6, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 8, तो यही कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो गई 8. आंसर इज ए ऑप्शन. तो ये सब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बहुत आता है, कई कंडीशन रिपीट होती है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 5 and 3, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 24, देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. सेम क्वेश्चन पहले की तरह. नाउ रेडियस इज 5, दिस रेडियस इज 5, दिस रेडियस इज 3. नाउ एक्सटेंड दिस एंड जॉइन दिस एंड नाउ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दिस इज 24, ये भी 5 हो गई, ये 8 हो जाएगा, तो हमको ये कैलकुलेट करना है. लेट दिस इज एक्स विच इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. सो x² + 8² = 24², सो x² वुड बी 576 - 64, 215 x². सो x वुड बी 16√2. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P एंड Q आर टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O.
R is a point on the minor arc of the circle between the points P and Q. Okay. P and Q are two points. This is P, this is Q, with center O. R is a point on the minor arc between the point P and Q. The tangent to the circle at point P and Q meet each other at S. If PSQ, this angle is 30, then PRQ. We have to calculate this. Now, ek bahut important rule tha. If this is 20, sum of these two would be 180 that we have discussed earlier. तो ये 20 तो कितना हो जाएगा 160 एंड इफ दिस 160 दिस वुड बी हाफ ऑफ दिस 80 और हमको निकालना है ये. सो लेट दिस इज एम. तो पी एम क्यू आर आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इनके एंगल का सम क्या होता है 180, तो दिस वुड बी 100. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी. ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी. पी इज ए पॉइंट ऑन प्रोड्यूस बी ए. ओके बी ये होगा, ए ये होगा, तो ये प्रोड्यूस किया हमने पी. पी टी एंड पी क्यू टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल, द रिलेशन ऑफ पी टी एंड पी क्यू. देखो यार एक रूल होता है, पी टी स्क्वायर इज इक्वल पी ए इंटू पी बी, एंड सेम वे फॉर दिस सर्कल पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी ए इंटू पी बी. नाउ दीज टू वैल्यू इक्वल, हेंस पी टी स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर. सो पी टी इज इक्वल पी क्यू. आंसर इज डी ऑप्शन. ये टेंजेंट थ्योरम होती है, तो आंसर पढ़ लेना ये थ्योरम, ये जो मैंने लिखवाई है. ओके नेक्स्ट. द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 फ्रॉम अ पॉइंट 5. अच्छा आसान सा क्वेश्चन है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ, ये रेडियस 4 है, फ्रॉम अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये 5 है, तो दिस वुड बी 3. आंसर इज ए ऑप्शन. Okay, next question. From a point P, two tangent P and PB are drawn to a circle with center O. Okay. देखो ये P point है, यहां से PA और PB हमने दो tangent draw की, इसका center O है, and OP is equal to, अच्छा this is OP and it is given that OP is equal to the diameter of circle, then angle APB. Okay. देखो बहुत बढ़िया question है, ध्यान देना. Now, let this is R, this would be 2R. So, this angle theta, देखो 90 के आगे जो साइड है उसका थीटा के आगे हाफ हो रहा है, इसका मतलब थीटा वुड बी 30 डिग्री. सो दिस वुड बी डबल हो जाएगा 60 डिग्री. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके ऑप्शन 170. द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल आर 13 एंड 8 सेंटीमीटर. ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल एंड बी डी इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल टचिंग इट एट डी एंड द बिगर सर्किल एट ई. पॉइंट ए इज जॉइंट टू डी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डायग्राम देख लेते हैं. ओके नाउ द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल आर 13 एंड 8. ए बी इज द डायमीटर, सो दिस इज ए बी एंड बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल टचिंग इट एट डी एंड बिगर सर्किल एट ई. राइट, पॉइंट ए इज जॉइंट टू डी. We have to calculate length of AD. Now, this is the center, let O join this. This angle would be 90 degree. Okay. If we join this, this angle will also be 90 degree because it is a diameter AB. Right? Now, if this is 90, this is 90, this side is parallel to this side, and also this is midpoint and this is midpoint because we are drawn perpendicular from center to any chord. So, this side AE is double of OD. Now OD is 8, so this would be 16. Okay, and now this is 13, so by this Pythagoras, this is 13, this is 8, this would be root 105. Okay, so ab ye root 105 hogi. Ab laga do Pythagoras isme. AD square is equal DE square 105 plus 16 256, so this is 361 AD square. So AD would be 19. B option. Okay, next question. PQ is a chord of length 8 cm circle with center O and of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at point T, the length of TP. Okay, dekho. PQ is a chord and TP and TQ is a tangent. Okay.
this is 8 centimeter and radius of the circle is 5 centimeter. Now draw perpendicular, this would be 4, this would be 3. Now join this. Now name this O on R. So in triangle OPR and triangle OPT, now we will draw this diagram again. OPR and OPT. Now this angle is 90 degree, here it is 90 degree, this angle 1, this angle 1 and remaining angle 2, remaining angle 2. Hence these two triangles are similar. Achha, uske baad this side is 5, this side is 5, this side is 3, this side is 4. We have to calculate PT let X. Now using similarity, 90, 1 and 2 angle. Now side opposite to 90 in smaller 5 and in this OT. Side opposite to 1 in a smaller 4 and in bigger it is X. And side opposite to 2 in a smaller 3 and in this it is 5. So X would be 20/3. Aap isko chhod do, aapka isse geometry se kaam lag gaya, similarity se aapka kaam ho gaya. Answer is A option. Okay, next question. The minimum number of common tangent drawn to a two circle when both the circle touch each other. देखो यार, एक ये टेंजेंट होगी, एक ये टेंजेंट होगी, एक ये टेंजेंट होगी. टोटल टेंजेंट कॉमन वुड बी 3. ओके, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज 5√3 यूनिट्स. ओके, आसान सा क्वेश्चन है. नाउ लेट दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस. नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5√3 एंड रेडियस इज 5. वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द सेंटर. नाउ लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 75. X square would be 100, X would be 10. Now, answer of this question is C option. Okay, next question. Two circles are of radius 7 cm and 2 cm, their center being 13 cm apart. Then the length of direct common tangent to the circles. Okay, this is 7 and this is 2. Their center are 10 centimeter, 13 centimeter apart. Now draw this perpendicular, this is 90, this is 90, so this would be 90, this is 7, this is 2, so ye kitna ho gaya 5, so this 13, this 5, this would be 12, so length of common tangent would be 12. Answer is A option. Next question. The radius of circle is 6 centimeter, the distance of a point lying outside the circle from the center is 10 centimeter, the length of the tangent drawn from the outside point in the circle. Okay, now it is given that the radius circle is 6, this is 6 and the distance of a point lying outside the circle from the center is 10. Now this length is 10 and we have to calculate this length. So dekho 10, 6 ke agla hota 8, so this length is 8. Answer is D option. Next question. D is tangent to the circumcircle of triangle ABC. This is DE at A, right? This is ABC. Now it is given that D is parallel to BC. Now if AB is 17, this is 17, we have to calculate AC. Dekho, bahut important rule hai. Let this angle be X. So this would also be X because alternate segment theorem in tangent. Now if this is X, this would also be X because this DE is parallel to BC. And now these two sides are angle are equal and this side is also equal to 17. Answer is D option. Okay, next question. The distance between the center of two circles with radii 9 and 16 is 25. The length of segment of tangent between them. The distance between the center of two circles with radii 9 and 16 is 25. Okay. Dekho, iski radius hai 16. Iski radii 9. Aur inke center ke beech ki distance kitni hai? 25. So they are touching each other. The length of the segment of the tangent between them. Okay, we have to calculate this length. So, dekho, ab kya karoge? Ye drawing kar do. Ye 25 ho gaya. This is 7. So, 25, 7 ka triplet hota 24. The length of tangent would also be 24. Answer is A option. Okay, next question. ST is tangent to the circle at P. Okay. Now, this is tangent ST at P.
ओके नाउ देखो, क्यू आर इज ए डायमीटर, दिस इज डायमीटर, एंड इफ एंगल आर पी टी, दिस एंगल इज 50 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एस पी क्यू वी हैव टू कैलकुलेट दिस. नाउ इट इज गिवन दैट दिस इज डायमीटर, तो दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री, दिस इज 50, दिस वुड बी 40. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट, ओके, पी ए एंड पी बी इज टेंजेंट, दिस इज ओ, एंगल ए ओ बी गिवन एज 110, नाउ दिस इज 90, दिस इज 90, सो दिस वुड बी 70 डिग्री, हैंस वी हैव टू कैलकुलेट ए पी बी. ओके, 70 डिग्री आंसर. ओके, 97. AC is the diameter of the circumcircle of triangle ABC. This is AC and this is ABC. Now, given that chord ED is parallel to this AC. Okay. If angle CBE, this angle CBE given as 50, then the measure of DEC, join this. We have to calculate this angle. Achha. Now, if this 50 and this AC is diameter, the complete angle would be 90, this would be 40. And if this 40, this would be 40, because angle in same segment. Dikh raha hai? AE se idhar ban raha, AE se idhar. So, this would also be 40. Answer. Okay. Next question. The length of two sides forming right angle are 6 and 8. So, dekho, agar 6 or 8, two sides hai, toh third side hogi 10. Now, circum radius is given by hypotenuse by 2 or 5. A option. Okay, next question. The length of radius of circumcircle of a triangle having 3, 4, 5. So, circum radius is given by hypotenuse by 2, 5 by 2 or 2 point. देखो, इसमें एक बात समझना है, ये right angle triangle बनेगा और right angle triangle की circum radius होती है hypotenuse by 2, 2.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज आई एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी. द लाइन ए आई प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट डी. इफ ए बी, ओके देखो डायग्राम देख लेते हैं. नाउ दिस इज ट्रायंगल एबीसी, लेट दिस इज सर्कम रेडियस एंड दिस इज इन रेडियस आई. Now, given that the line AI produced, this is I, meet circumcircle at D point, and given that angle ABC, this is X, and BID, this is Y, and BOD, थोड़ा O को नीचे मान लेते हैं, माना O ये point है. This is BO, this is given as Z, this angle is Z. Now, okay, important part, if this angle Z, this would be Z by 2. Dekho, center per angle and circumference per angle, this is Z by 2. And now, BI, this line, will divide this angle in two equal part. This would be X by 2. Now, Y is exterior angle of this triangle, so Y is equal X by 2 plus Z by 2. So, X plus Z by Y is equal to 2. Answer that we required. Answer is A option, C option. Okay, next question. The radius of circumcircle of a right angle triangle is 15. देखो, radius circumcircle की H by 2 15 है. Okay, तो H कितना हुआ 30. तो देखो, किसमें 30 highest side दे रखी है. इसमें lowest side है, इसमें ये हो सकता है. This is possible, this is not possible. अच्छा, बोला है and the radius of its inscribed circle is 6, means small r होता है p plus b minus h by 2. तो r आपको दे रखा है 6, ये हो गया 6 is equal p plus b, hypotenuse हमारा 30 आ चुका है upon 2, so p plus b is equal 42. देखो किस दो option का sum, ये 24 plus 18 42 आ रहा है, yes आ रहा है, और इनका sum 42 नहीं आ रहा, so answer is b option. मतलब कुछ question option based करोगे जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल
फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ साइड ए बी बी. देखो आपको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड रखी है ए बी एंड बी सी. दिस इज ए बी दे रखा है आपको 15 एंड दिस इज 20. अब आपको पूछा है इसका सर्कम रेडियस. तो अगर हमको हाइपोटेन्यूज आ जाए सर्कम रेडियस होते एच बाई टू मीन्स ए सी बाई टू. अब देखो कैसे करेंगे हम. 15 इज 5 इंटू 3 दिस इज 5 इंटू 4. सो कॉमन वैल्यू इज 5. 3 4 के बाद होता है अगला 5. 5 इंटू 5 25. सो आंसर हो गया 25 बाई टू और 12.5. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. If the circumradius of equilateral triangle ABC be 8, then the height of the triangle. Now, इसका एक बहुत important rule है. In right angle, in equilateral triangle, circumradius is this part, and circumradius, and this is circumradius, this is in radius, और इनका ratio 2:1 होता है. और इन दोनों का sum height होती है. तो ये दे रखा 8 upon R is equal 2 by 1, तो R हो गया 4. तो this is 8, this is 4. तो height कितनी हो गई? 12. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. पी क्यू आर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर सच दैट एंगल पी क्यू आर इज 90 इफ पी क्यू. ओके इन दिस ट्रायंगल दिस इज 90 डिग्री. इफ दिस इज 90 डिग्री पी क्यू वुड बी डायमीटर. नाउ इफ पी क्यू इज 3 एंड क्यू आर इज 4 सो दिस वुड बी 5 सो रेडियस वुड बी 2.5. ठीक है भाई. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके द रेडियस ऑफ टू कंसिडर्ड सर्कल्स आर 17 एंड 10. अ स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट द लार्जर सर्किल एट पॉइंट ए एंड डी एंड स्मॉलर सर्किल एट बी एंड सी. नाउ इफ बी सी इज 12 देन द लेंथ ऑफ द ए डी. देखो यार दिस रेडियस इज सॉरी दिस रेडियस इज 17 and this is 10. This if we draw perpendicular this would be 6. तो अगर ये 6 है ये 10 है तो ये कितना होगा? 8 होगा. और अगर ये 17 है ये 8 है तो ये कितना होगा? 15. तो AD कितना हो गया? 30. Double of it. C option. Next question. P and Q are center of two circle with radius 9 and 2 centimeter where PQ. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो we have two circles with radius 2. This is radius 2. This is radius 9 and distance between their center is 17. This is 17. Okay. Now, given that there is a third circle, R is the center of another circle. This is P, this is Q. R is the center of another circle with radius X. So, join this. Given that this is X. This is also X. Or, given that this angle is 90 degree. Okay. Given that PRQ is 90 degree, then value of X. Okay. एक बहुत important चीज़ समझो. 17 के साथ triplet होते हैं 15 और 8. अच्छा ये साइड 9 है और ये साइड 2 है बिकॉज रेडियस है ना. अब क्या ये 8 होगी? तो अगर ये 8 होगी तो उसके साथ ये 6 होना चाहिए. तो अब यहां देखते हैं अगर ये 6 लेते तो 6 प्लस 9 15. यस ये 15 आ रहा है. इसका मतलब 15 8 17 8 ट्रिपलेट बन गया. x की वैल्यू होगी 6. आप पाइथागोरस लगाओ तब भी सॉल्व कर सकते हो. दिस इज द शॉर्टकट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ओके ओ इज द सर्कम सेंटर ए बी सी. नाउ गिवन दैट बी ए सी दिस एंगल इज 85 एंड बी सी ए इज 55. फाइंड एंगल ओ ए सी. ओके सो देखो अगर ये सर्कम सर्किल है ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम. नाउ दिस इज 85 दिस इज 55 दिस इज 140. टोटल सम 140 तो कितना हो जाएगा? 40. इसका डबल ये 80 होगा और ये रेडियस होगी सर्कम रेडियस. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे बिकॉज दिस इज 80 दिस वुड बी 50 50. आंसर हो गया बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर पी क्यू इज 90 डिग्री. ओके आर पी क्यू इज 90 डिग्री. पी आर इज 6 एंड पी क्यू इज 8 देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल पी क्यू आर. तो अगर ये 6 है ये 8 है 10 होगा. और अगर ये 10 होगा तो सर्कम रेडियस आर क्या होगी? 10 बाई 2 और 5. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ओ इज इट्स सर्कम सेंटर देन. ओके इफ वी ड्रॉ अ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ इज इट्स सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर देन एंगल ए ओ सी.
देखो यार, ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120। सर्कम सर्किल की बात करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा सर्किल ना, तो ये एंगल इसका डबल होगा, 120 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक हैज ड्रॉन एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री 27 मिनट व्हेन ही वाज आस्क्ड टू ड्रॉ एन एंगल 45। देखो इसको बनाना था ये एंगल, इसने बना दिया ये, तो 27 डिग्री की एरर हुई आउट ऑफ 45 डिग्री 27 मिनट की इनटू 100। नाउ अब आप क्या करो, 27 डिग्री और इसको भी डिग्री बना लो, 45 इंटू 60 इंटू 100, तो 9 5 जा 9 3 जा 3 20 जा 25 जा 1, आंसर हो गया 1% की एरर आएगी, आंसर इज बी ऑप्शन।